organ. Hello students, good morning. Today we will talk about chapter 4, Diversity in Living Organisms, class 9th. Today's topic is angiosperm. Angiosperm. लास्ट में हमने जिम्नोस्पर्म की कंडीशंस पढ़ी थी, उनके वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़े थे. क्या पढ़े थे कि जो सीड्स थे वो विदाउट कवरिंग, मतलब सीड्स आ गए थे ट्रीज के अंदर, ट्रीज को ग्रीन और वुडी टाइप के दिखने लगे थे, ठीक है, मतलब एज अ ट्रीज दिखने लगे थे, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर थे वो ग्रीन और वुडी टाइप के हो गए थे एंड उसके अंदर सीड्स भी आ गए थे, जिसकी वजह से उनमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सब कुछ होने लगा, नया गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है. एंड जब भी एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते हैं. तो एंजियोस्पर्म में क्या था, सीड्स तो थे प्रेजेंट बट उनके ऊपर एक ओवरी की कवरिंग आ गई थी, ठीक है. तो सीड्स थे, सीड्स आर कवर्ड विद ओवरी, जो सीड्स थे वो ओवरी से कवर्ड थे, ठीक है, एंजियोस्पर्म. एंड दीज आर ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब इनके अंदर फ्लावर्स भी थे, ठीक है, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते थे और इनके जो सीड्स थे वो ओवरी से कवर्ड थे, ठीक है, जो सीड्स प्रेजेंट थे वो ओवरी से कवर्ड थे, ठीक है. एंड अपार करते मोनोकोट और डाइकोट, इनके अंदर जो एंजियोस्पर्म थे वो टू टाइप से थे, कौन कौन से टू टाइप्स थे, मोनोकोट एंड डाइकोट. मोनोकोट में क्या था, इनके अंदर सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट हो उन एंजियोस्पर्म्स को हम मोनोकोट बोलते हैं. एंड अगर वहां पर टू कॉटिलेडन प्रेजेंट हो तो उसको हम डाइकोटिलेडन बोलते हैं, ठीक है. तो मोनोकोट में क्या था, एग्जाम्पल ले लेते जैसे राइस का, ठीक है, तो राइस जो होता है एक सिंगल ही तो आता ना, एंड अगर कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाए यानी कि टू कॉटिलेडन्स आ रहा है, ठीक है, मोनोकॉट में था सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, एंड डाइकॉट में टू कॉटिलेडन. क्लियर हुआ? तो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट तो ये था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कि हर एक स्पीसीज की, मतलब एक हर एक स्पीसीज अपने में यूनिक होती, मतलब उनके अंदर एक यूनिकनेस होती, उस यूनिकनेस के अकॉर्डिंग हमने स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया. तो प्लांटी किंगडम फुली कंप्लीट हुआ, कैसे कैसे उनके अंदर वेरिएशंस आए एंड कैसे कैसे उनको क्लासिफाई किया गया और कौन से थैलस थे, कौन से नॉन थैलस थे, किसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं एंड किसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, किसके अंदर नहीं थी, तो ये सब हमें ऑलरेडी क्लियर हो चुका, ठीक है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एंड प्लांट किंगडम के सभी पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं और नेक्स्ट हमारा एनिमल किंगडम है, जिसके पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर